हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन की फेमस सोनेट एट होली सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। ये जो सोनेट है ये उनका कलेक्शन था होली सोनेट, जिसकी की 10th पोइम है। ये एक सोनेट है, सोनेट के अंदर 14 लाइनें होती हैं। फर्स्ट 8 लाइन को हम ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट 6 लाइनों को हम ससेट कहते हैं। ये जो सोनेट है ये 1633 में पब्लिश्ड हुआ था। जॉन डन एक स्टंच कट्टर कैथोलिक थे जो कि रीबर्थ पुनर्जन्म की थीम में विश्वास करते थे। ये पोइम यही बताती है कि डेथ एक तरह की नींद है जिसके बाद हम ज़्यादा जोश में आकर जाग जाते हैं, और डेथ किसी को अपनी मर्जी से नहीं मार सकती है। ये तो किस्मत की, राजा की और निराश लोगों की गुलाम होती है, किसी को अपनी मर्जी से नहीं मार सकती है। इसीलिए पोइट ये सजेस्ट करता है कि डेथ तुम्हें घमंडी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतनी ताकतवर, इतनी शक्तिशाली नहीं हो, तुम तो एक तरह की नींद हो जिसके बाद पर्सन जाग जाता है। ये सोनेट पेट्रार्कन सोनेट है। राइम स्कीम आप देखिए, ए बी बी ए बी बी ए ए बी बी ए ए ए। इस पेट्रार्कन सोनेट को में थोड़ा सा चेंज कर जॉन डन ने इस सोनेट को लिखा है। स्टार्ट करते हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड। पहली ही लाइन में पोइट पर्सोनिफिकेशन का यूज करता है। वो कहता है कि डेथ तुम्हें घमंडी होने की जरूरत नहीं है। पर्सोनिफिकेशन के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में ह्यूमन एट्रीब्यूट्स डाल देते हैं। वो कहता है डेथ तुम्हें घमंडी होने की जरूरत नहीं है। दाओ सम हैव कॉल्ड दी, दी मतलब यू, एक आर्काइक वर्ड है। वो कहता है कि कुछ लोग तुम्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटी एंड ड्रेडफुल, ताकतवर और खतरनाक कहते हैं। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, पर तुम ऐसे खतरनाक नहीं हो। फॉर दोज हुम दाउ थिंकस्ट दाउ डोस्ट ओवरथ्रो, क्योंकि जिन लोगों को तुम सोचते हो कि जिन लोगों को तुमने मार दिया है, डाई नोट, वो लोग मरे नहीं हैं, पुअर डेथ, वो डेथ को बेचारी डेथ कहता है। नोर येट कांट दाउ किल मी, ना ही तुम मुझे मार सकते हो। देखिए इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, जो मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे दाऊ दी दोस दाऊ डाई डेथ, ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ ये क्वाट्राइन एंड होता है, सेकंड क्वाट्राइन में ये कहता है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर भी। वो कहता है कि जो रेस्ट और स्लीप हैं, जो नींद है और आराम है, वो तुम्हारी ही पिक्चर हैं। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, और जब हम रेस्ट करते हैं या नींद लेते हैं तब उठने के उसमें हमें बहुत प्लेजर, आनंद का की प्राप्ति होती है, तो फिर तुमसे तो और भी ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद डी डूगो, तो अब वो कहता है कि डेथ, क्योंकि ये जो डेथ वो हमारे को इतनी ज्यादा अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ये हमारी बॉडी को रेस्ट देती है। एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद डी डूगो, जो हमारे बेस्ट मैन हैं वो तुम्हारे साथ जाते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी,
उनकी जो हड्डियां हैं उन्हें रेस्ट मिलता है, उनके हड्डियां मतलब उनके शरीर को रेस्ट मिलता है, एंड सोल्स डिलीवरी और उनकी आत्मा की मुक्ति होती है। यहाँ पर हमारा ऑक्टेव एंड होता है और ससेट की शुरुआत होती है। तो पोइट कहता है कि डेथ तुम तो एक गुलाम हो, यहाँ स्लेव में वो मेटाफर का यूज करता है, दाउ आर्ट स्लेव टू मेटाफर, तो सॉरी स्लेव टू फेट, तुम तो मौत के एक किस्मत के गुलाम हो, चांस के गुलाम हो, समय के गुलाम हो, राजा के गुलाम हो और निराश व्यक्तियों के गुलाम हो। जब वो पर्सन सुसाइड करना चाहता है तभी तुम आती हो, जब राजा ऑर्डर करता है किसी को मार दो तभी तुम आती हो, जब किसी का समय पूरा होता है तभी तुम आती हो, जब हमारी किस्मत में लिखा हो मरना है या बाकी लोग हम किसी और को मारना चाहें या कोई पर्सन किसी बीमारी का शिकार हो जाए तब तो हम मरते हैं, ऐसे तो आप किसी को नहीं मार सकते हो। एंड दोस्त विद प्रिजन वॉर सिकनेस ड्वेल, और तुम्हारे रहने की जो जगह है वो भी पॉइजन है, जहर है, वॉर है, युद्ध है, एंड सिकनेस बीमारी है, तुम अपनी रहने की जगह भी चेंज नहीं कर सकती हो। एंड पॉपी एंड चार्म्स कैन मेक अ स्लीप एज वेल, यहाँ वो एक फिगर ऑफ स्पीच मेटोमनी का यूज करते हुए कहते हैं कि पॉपी अफीम और चार्म्स या ड्रग्स, अफीम और ड्रग्स से भी हम सो सकते हैं एज वेल, तुम्हारी तरह हम अफीम और ड्रग्स से भी सो सकते हैं। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और बल्कि तुम्हारे अटैक से ज़्यादा अफीम और ड्रग्स की यूज से मैं अच्छी नींद आती है। वाई स्वेलेस्ट दाउ देन, स्वेलेस्ट मतलब प्राउड, तब तुम किस बात का गर्व करते हो कि तुम हमें सुला सकते हो, तो सो तो हम अफीम और ड्रग्स से भी सकते हैं। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, मौत तो एक तरह की छोटी सी नींद है, उसके बाद में एक पर्सन जो है उसका पुनर्जन्म होता है। मैंने आपको बताया ये एक कैथोलिक है और वहां पुनर्जन्म की जो धारणा है, वी वेक एटर्नली, हम दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए, एटर्नली मतलब अमर रूप से हम दूसरी दुनिया में जाग जाते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, ये जो क्रिश्चियन बिलीफ है कि दुनिया के अंत में सभी जो मुर्दा हैं वो अपनी कब्रों से जाग जाएंगे और वो भगवान के सामने फाइनल जजमेंट के लिए अपीयर होंगे, ये इस पोयम की सबसे खास बात है। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और तब डेथ नहीं होगी, डेथ दाउ शैल डाई, और ये जो है लाइन है बहुत शानदार लाइन है, पैराडॉक्स का बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। पोइट कहता है डेथ दाउ शैल डाई, मौत तुम्हें मरना होगा। सो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।